ज्योतिषी की जरूर सुनना। हम लोग भी अपने नए फ्लैट में वास्तु करा रहे हैं। नया फ्लैट? कंपनी दे रही है, शायद 2-3 दिन में ही शिफ्ट हो जाए। तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं 2-3 दिन लेट आता तो तुम्हें नहीं मिलता? शायद नहीं, लेकिन ये भी कुछ ट्राई कर रहे हैं। मैं अकेली औरत इतना सारा सामान लेके कैसे शिफ्ट करूंगी? बहुत बड़ा फ्लैट है, 7 माले पर है, 3,500 स्क्वायर फुट, 4 बड़े बड़े बेडरूम, ड्राइंग रूम, फुल साउथ ओपन। वहाँ ड्राइंग रूम खूब सजाऊंगी, कोई टेंशन नहीं। नीचे वॉचमैन भी है, ऐसे आकर कोई घंटी नहीं बजा सकता। एड्रेस क्या है? वो तो नहीं मालूम, कंपनी का फ्लैट है, ऑफिस जाने। फोन तो होगा? वो तो 24 घंटे में लग जाएगा। तो फिर तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं फोन कर दूंगी। वो तो याद नहीं है। कैसे? तुम्हारा मोबाइल है और तुम्हें नंबर याद नहीं? या तुम मुझे देना नहीं चाहते? नहीं, एक्चुअली मेरी सेक्रेटरी के पास रहता है ना, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सीरियल के लिए कोई कहानी सोची? हाँ, सोच रहे हैं वो लोग, एक स्टोरी आइडिया पे काम कर रहे हैं। कुछ भी करना मन्नू, लेकिन वो सास बहू के झगड़ों पर मत बनाना, वो बहुत हो चुका। नहीं, कुछ 2 बिजनेस टाइकून को लेकर वही घिसा पिटा, कोई नहीं देखेगा। फिर तुम्हें कैसे कहानी चाहिए? मुझ जैसी लड़की को लेकर सीरियल क्यों नहीं बनाते मन्नू? मतलब ऐसी कोई लड़की जो शादी करके नए शहर में आती है, ये सपने लेकर कि वो पति को बहुत प्यार करेगी, खूब सेवा करेगी उनकी, पर वो घर पर रहती ही कहाँ है, आज यहाँ तो कल वहाँ, बस इंतजार करती रहती है। नींद में घबरा कर उठकर सोचती है कि कहीं घंटी तो नहीं बजी, और फिर एक दिन घंटी बजती है, वो दरवाजा खोलती है, उसका पति नहीं कोई और है, जिसे वो बहुत साल पहले जानती थी, लेकिन आज पहचान नहीं पा रही है। काला हो गया है, बाल झड़ गए हैं। यही बैठे बैठे पूरा सीरियल बनाओगे? फिर तुम लोगों को लिखने का पैसा क्यों देते हो? हाथ धोना है, बाथरूम। अरे उठ क्यों रहे हो? हाथ धोना है। बड़े बड़े होटल में नहीं देखा, सब टेबल पे ही हाथ धोते हैं, तुम यही बैठो। शाम ढले सखियां सब लौट गई सारी, अकेले हम नदिया किनारे।